एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। और कहीं कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सिर्फ दाल चावल बन रहे हैं, चावल की सीटी आने बाकी है और सारी बॉटलें मैंने भर के रख ली, क्योंकि खाना खाते ना उस समय क्या रहता है कि बॉटल इधर जाकर रख लो और फिर भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज है संडे और आज मुझे अपना करना है फ्रिज क्लीनिंग, साथ में शाम को बनेगी कुछ स्पेशल हम लोगों के लिए जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए। तो क्या बन रहा है शाम को देखती हूँ, हो सके तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और या फिर मेरे हाउ टू मेक पे अपलोड होगी वो रेसिपी। तो देखते हैं क्या करना है। अभी पूरा काम साफ़ सफाई का हो चुका है, सिर्फ फ्रिज क्लीनिंग करना है मुझे और देखती हूँ थोड़ा बहुत कुछ ऐसा रहा तो क्लीनिंग करूँगी, नहीं तो फिर शाम को ही आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी कर लेते हैं हम लोग फ्रिज क्लीनिंग, चावल बन रहे हैं तब तक। फ्रिज को साफ़ करने से पहले सबसे पहले ये अंडे निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि इनको भी मुझे फ्रिज में रखना है और धो के रखना है। तो सबसे पहले ट्रे में से इन अंडों को निकाल लेती हूँ। दो ट्रे अंडे मंगाए हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गए थे, अंडे मिल भी नहीं रहे थे और फिर मिले तो फिर हम लोगों ने एक ट्रे मंगवा ली दीदी ने और मैंने, तो दोनों ट्रे साथ में ही रखी है। इस तरह से पैक करके भेजा उन्होंने। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन, मतलब अब बिल्कुल भी मार्केट खुला नहीं है, मार्केट की दुकानें भी नहीं खुली हैं और दिन में तो बिल्कुल बंद है। जो सुबह दूध वाले भैया दे जाते हैं सामान वही ठीक है, उसके बाद तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बस इनको निकाल के और दोनों का अलग अलग तपेली में रख लेती हूँ। एक तपेली ऊपर दीदी के पास जाएगी, एक मेरे पास रहेगी, दोनों को धो के और फिर फ्रिज में रखूँगी। तो फ्रिज भी साफ़ करना है मेरे को, तो पहले मैं अंडों को धो के रख देती हूँ, उसके बाद फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर ये ट्रे खाली हो गई है, इनको फेंकने के लिए रख देती हूँ। बाहर कचरे वाला आएगा जब फिर फेंकने में जाएगा, अभी तो कचरे वाला भी रोज नहीं आ रहा है। तो बस इनको रख दिए मैंने बाहर और अंडे धोने के लिए रख देती हूँ। पानी में डाल के रख दूँगी तो जो भी गंदगी है ना वो मतलब गल जाएगी और फिर आसानी से अंडे धुल जाते हैं। इस तरह से पानी में डिप करके रख देते हैं ना तो अंडे ईजिली धुल जाते हैं, नहीं तो उसी समय तो अच्छे से नहीं धुल पाते हैं। यहाँ अंडे गल रहे हैं तब तक मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रिज का जो सामान है ना ज़्यादा डीप क्लीन ही नहीं करना है, क्योंकि जो अंदर की प्लास्टिक है ना वो मुझे निकालना, अंदर मैंने इसमें प्लास्टिक बिछा रखी है तो उसको मुझे निकालना, उसको वॉश करना है। तो फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ ये सोचा मैंने, तो सब्जी वब्जी सब रखी है इसमें, पूरा फ्रिज भरा हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में भी मैंने पूरी सब्जी वब्जी सब पूरा स्टॉक करके रख रखा था, क्योंकि कब किस सामान की ज़रूरत पड़ जाए। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और ये अंगूर है ना, इतने खट्टे अंगूर हैं ना, इनको काफ़ी समय हो गया है, 8-15 दिन हो गए होंगे, हाँ बहुत खट्टे अंगूर आए हैं, खाने में भी नहीं आ रहे हैं। तो इनको मैंने फ्रिज में रख रखा है, मैंने कहा धीरे धीरे करके ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद थोड़े मीठे लगेंगे, या फिर जूस वूस बना दूँगी मैं तो वो पीने में आ जाएगा। तो जूस भी जो अंगूर का जूस है ना वो भी दिन में पियो तो ज़्यादा अच्छा, रात में पी के नाइट में पी के या शाम को बना के पियो ना तो फिर गला वाला होने का डर रहता है, क्योंकि खट्टे तो वैसे ही अंगूर। तो यहाँ पर सारी जो प्लास्टिक है ना वो मैंने निकाल ली है। इस तरह से फ्रिज में अगर प्लास्टिक बिछा दो ना तो सारी गंदगी क्या प्लास्टिक पे रहती है। ये मेरे जो ग्लास है ना बिल्कुल साफ़ है, फिर भी मैं इनको थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सारी गंदगी प्लास्टिक पे रही है ना तो प्लास्टिक धुल जाते हैं और फिर दूसरे प्लास्टिक वापस बिछा दो। तो अभी मेरे पास दूसरे तो नहीं है क्योंकि कटिंग करके ही मुझे बिछाना पड़ेगा। जो कैरी बैग होते हैं ना उन्हीं को मैंने कट करके और फिर फ्रिज के जो ग्लास है ना उसके बराबर नाप करके और फिर रख दिए थे अंदर। अगर इस तरह से नहीं बिछा सकते आप तो मार्केट से भी ला सकते हैं, प्रिंटेड मिलते हैं, तो जो मेट होते हैं ना वो प्रिंटेड मिलते हैं तो वो भी ला के आप बिछा सकते हैं। लेकिन काहे के लिए पैसा फालतू का बर्बाद करना जब घर में है। बड़ी बड़ी पॉलीथीन आती है कैरी बैग वाइट कलर के, उनको आप कट करके बिछा सकते हो। यहाँ पर ही मैंने टब निकाल लिया है, टब में जो वेजिटेबल है उनको भी निकाल के टब को भी साफ़ कर दूँगी। वॉश नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, इसलिए मैं वॉश करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सारे जो थोड़े बहुत वेजिटेबल ख़राब हो गए उनको निकाल के पटक देती हूँ, बाकी के साफ़ करके और रख देती हूँ इसी टब में। तो यहाँ पर इसको भी मैं ना सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, हल्का सा गीला कपड़ा लगा के फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी तो जो भी गंदगी होगी ना वो निकल जाएगी, और वैसे तो गंदगी है नहीं ज़्यादा। तो चलिए फ्रिज का ये वाला खाना तो साफ़ हो गया है, सामने वाला अब ये वाले डोर वाला
एरिया साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जूसेस की बॉटलें रखी हैं, सॉसेस रखे हैं, तो ज़्यादा इसको भी मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करना है, सिर्फ हटा के थोड़ा बहुत जो गंदगी होगी उसको साफ़ कर दूँगी। और फ्रिज को इसीलिए मैंने ऑफ नहीं करा है क्योंकि फ्रिज में सारा सामान भरा, मेरी व्हिप क्रीम सब रखी हैं, तो वो क्या फिर पिघलेगी बाहर रखूँगी तो, और इतनी देर के लिए बाहर रखूँगी तो फिर व्हिप क्रीम क्या ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैंने इसको ऊपर वाला जो एरिया है ना फ्रीज़र वाला, उसको तो मैंने साफ़ ही नहीं करा है। बस यहाँ पर ये क्लीन करके अंडे रख देती हूँ। अंडे धुल गए हैं, सूख भी गए हैं, मैंने धो के रख दिए थे इसी बीच में, तो बस इनको मैं रख देती हूँ। तो लंच तो हमारा हो चुका है, लंच करने के बाद ही फिर मैंने ये फ्रिज को क्लीन करा, क्योंकि अगर फ्रिज क्लीन करने पर जाती ना तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता। और अनुष्का को राइस नहीं खाना था, उसको पूरी खाना था, दाल से पूरी, तो उसके लिए मैंने फिर पूरी अलग बनाई थी। तो ये काम करते करते मुझे वैसे ही है ना लंच से फ्री होते होते मुझे 1:30 बज गई थी। फिर उसके बाद फ्रिज क्लीन करने बैठी तो वही मुझे कम से कम 1:30 घंटा लगा मुझे फ्रिज क्लीन करने में, और 3:30-4 बज रहे होंगे अभी। तो बस इसके बाद फिर शाम के रूटीन में लग जाओ। यहाँ पर बस ये बाहर का साफ़ कर देती हूँ, हल्का सा पानी हाथ में लेके और साफ़ कर रही हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं रहता ना तो फिर इस तरह से साफ़ हो जाता है। और कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं इसको पेपर से भी साफ़ कर देती, पेपर से भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये क्लीन हो गया है फ्रिज बाहर से भी और अंदर से, और यहाँ पर जो गंदगी फैली इसको भी उठा लेती हूँ पोछे के साथ ही। और झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस यही इतना एरिया गंदा हुआ है, तो बस कचरे में डाल दी, थैली में डाल दिया है कचरे को, और जब कचरे वाले भैया आएंगे तब फिंक जाएगा कचरा, तो बस पोछ देती हूँ। ये सब करने के बाद मुझे फिर से किचन में लगना है खाना बनाने, तो हाउ टू मेक के लिए भी रेसिपी बनानी है नॉन वेज की, तो उसके लिए भी तैयारी कर ली थी मैंने। और बस ये करने के बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। तो ये जो अब भी टाइम हो रहा है ये 6:30-7 बजे का टाइमिंग है, तो मतलब इस बीच में मैंने अपने हाउ टू मेक के लिए रेसिपी भी तैयार करके वो बन रही है, और इस बीच मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैं आटा है ना बहुत पानी लगा लगा के गूंद रही, आज थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं हाउ टू मेक पे उसको शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर जो आटा है ना बिल्कुल मेथे जैसा सॉफ्ट आटा गूंद के और फिर मैंने बनाने की कोशिश करी है, तो बहुत जल्दी वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप रोटी बना सकते हो बहुत ही इजीली। तो खाना पीना पूरा बन चुका है, हाउ टू मेक के लिए नॉनवेज की रेसिपी भी तैयार हो चुकी है, रोटियां भी बन चुकी है, थोड़े से राइस रखे थे मॉर्निंग के, तो बस वही राइस रोटी और सब्जी बस यही रहेगा। तो मैंने सोचा अभी टाइम है 8 बजे का टाइम हो रहा है शायद, तो अभी मैंने सोचा टाइम है तो मैं ये प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ थोड़ा अच्छे से, क्योंकि जो टाइल्स है ना वहाँ क्या काला काला जम जाता है, अपन कितना ही साफ़ करो लेकिन फिर भी गंदगी जमी जाती है। तो मैं एक नाइफ़ है उसी से, नाइफ की नोक से ही वो जो किनोरे बनी हुई है ना वहाँ से उसकी किनोरे से गंदगी निकाल रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं निकली है लेकिन जो वाइट सीमेंट लगाते हैं ना वो काली हो जाती है, तो फिर वो तो निकलती नहीं है, जो ऊपर ही गंदगी रहती है ना वो निकल जाती है। तो जितनी निकली उतनी निकाल ली मैंने, बाकी का मैंने साफ़ कर दिया है प्लेटफॉर्म। तो काम पूरा हो चुका है, 8 बज रही है अभी, और नॉनवेज की सब्जी बनाई थी तो वो बन गई है, और उसको आपको देखना पड़ेगा हाउ टू मेक बाय गायत्री भी जो मेरी रेसिपी का चैनल उस पर। अभी तो लास्ट का वीडियो उसका लेना है मुझे हाउ टू मेक का, इस तरह से बनाया मैंने हांडी में। तो चलिए हाउ टू मेक के लिए भी थोड़ा सा लास्ट का क्लिपिंग ले लेती हूँ।